अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन भाइयों का, उन दोस्तों का, उन यारों का जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो बनाए हैं, उनका बहुत सारा दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। वीडियो भी बनाऊँगा उन सब का नाम लेकर, बाकायदा तस्वीरों के साथ साथ मैं उनकी शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन ये वीडियो मेरा जो बनाने का मकसद है, ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ, ये इसलिए वीडियो है कि जो जिस दिन मैं दुबई में इंटर हुआ था, जिस जगह मैं फ़र्स्ट टाइम आके मैंने वीडियो बनाया था, उसी जगह पे आज मैं फिर आके वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो किस लिए बना रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे कि वीडियो मैं आज इस जगह पे किस लिए बना रहा हूँ। पहले दिन वीडियो डाला था, बस लेट थोड़ा डाला था, मतलब डाला 15 भी था लेकिन लेट हो गया था। ज़ाहिर है यहाँ पर नेट भी एकदम नहीं मिलता, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ढक्कन ने मेरी उस वीडियो में इशू बनाया डस्टबिन का, मेरे दोस्त का और मेरे डस्टबिन का। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त का इससे ज़रा बता दूं कि जो इसने कहा था कि हर टाइम इसके साथ रहता है, ये कौन है, ये किस लिए मेरे साथ है, कब से मेरे साथ है, शुरू से देखते हो आप, ये क्या चीज़ है, ये किस लिए मेरे साथ होता है हर टाइम, क्यों तेरे मेरे साथ ये दुबई आया है, तेरे लिए आया है, ये बैठा है साथ मेरे, और ये आने वाला तुम्हें टाइम बताएगा कि ये किस लिए मेरे साथ है। मैं तेरा वेट दुबई पे कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और तूने जो इशू बनाया था डस्टबिन का, डस्टबिन से तूने अपनी औकात दिखाई। औकात तूने पूरी दुनिया को अपने जो जो इंडियन लोग तूने रिसवा किए हैं, जो जो कुछ तूने किया है, जिनकी वजह से अपनी बदनामी तूने करवाई है, उसका हिसाब तो तुमने तुम्हारे अपने ही अब लेंगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं कमेंट्स में, बोल रहे हैं हिंदू, बोल रहे हैं इंडियन लोग, बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम तबाह कर दिया, इंडिया का नाम तबाह नहीं होगा, इंडिया का नाम ऊंचा ही रहेगा। ऐसे लोगों की वजह से इंडिया का नाम बदनाम कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं तो मेरे जैसे लोग भी हैं जो ऐसे लोगों को सीधा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं तो वीर हूँ, मैं तो इसके लिए इसकी और मेरी जो इशू है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुस्ताखी का है। इसको मैंने सॉरी का बोला हुआ है, जब तक नहीं बोलेगा मैं इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं, जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक जाऊँगा। और फिर इसके बाद अब चलते हैं डस्टबिन की तरफ। जो कचरा बंदा है, गंदा बंदा है, इसने ये देखना था कि दुबई में डस्टबिन देखी ना हो, इसने नेट से निकाल के डस्टबिन दिखा दी। यही वाली डस्टबिन थी, ये ज़रा देखें, ये डस्टबिन के अंदर देखना चाह रहा था कि शायद डॉलर शालर होते हैं। और ये देख ले मेरे बच्चे काके, अच्छे से देख ले, डस्टबिन की औलाद, कचरे की औलाद, ये देख इसको अच्छे से पढ़ कि ये कहाँ की डस्टबिन है। यही दे डस्टबिन है, और अच्छे से देख ले, वो पीछे टूटी जगह है, देख लिया, इस पर दरख्त लग चुका है। और आज से इसका जो नाम है ढक्कन, तो इसका नाम खैर पक्का मैंने जो इसका रख दिया है, इशू कर दिया है, वो तो इसका ढक्कन नाम अब सारी लाइफ के लिए साथ है। लेकिन अब इसमें प्लस डाल रहे हैं, कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे, आज से इसका नाम पक्का आप लोगों ने ढक्कन डस्टबिन रखना है। ढक्कन डस्टबिन बोल दो, ढक्कन कूड़े वाला बोल दो, ढक्कन इस तरह का, बस ढक्कन डस्टबिन मेरा जो फेवरेट बनता है वो यही बनता है कि ढक्कन डस्टबिन हो। और अभी मैं वीडियो जो है वो छोटा सा ये बनाऊंगा, और सारों का मैं फिर अगेन से शुक्रिया अदा करूंगा इंशाल्लाह, वीडियो के साथ शुक्रिया अदा करूंगा। और अब मैं इसकी तरफ चलता हूं। इसने हमेशा ये देखिए बोल रहा है कि मैं 24 घंटे में, मैं 48 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मेरा ये इसके लिए लास्ट वीडियो है दुबई के अंदर, मेरा ये इसके लिए लास्ट वीडियो है, और इसको मैं ये लास्ट वीडियो और वार्निंग दे रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह मैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई बुर्ज खलीफा पे जाके आप वीडियो बनाओ। मैंने तो तकरीबन आपको इन दिनों में दुबई के जितने एरिया मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, शायद ये इधर अगर 2 साल भी रहना तो इतने नहीं दिखा सकता। मैंने आपको पूरा दुबई, अबू ज़ेबी सारा कुछ दिखा दिया है, फिर भी इंशाल्लाह मैं और भी, अभी बहुत दिन है, बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको। कल मैं इंशाल्लाह बुर्ज खलीफा पे भी जाऊंगा, और जो जो अगर मुझे मिलना चाहता है तो वहाँ पे प्लीज़ आ सकता है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगा वहाँ पे।
बुर्ज खलीफा जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इसको बुर्ज खलीफा देखने का शौक़ है, तो वो भी मैं इसको दिखा दूंगा और आप लोगों को भी दिखा दूंगा कि इसको दिखा दो कि ये है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कल जो मैं जब जाऊंगा तो उसके बाद ये 24 और 48 घंटे का टाइम देता है, मैं इसको 24 48 भी नहीं पूरे 5 दिन का फिर टाइम देता हूँ। 5 दिन तेरे पास है, 5 दिन के अंदर अंदर तू बुर्ज खलीफा भी दे के अपनी टिकट लगवा के चुपचाप आ जा, वरना मुझे तेरे लिए कुछ बहुत ही स्पेशल सोचना पड़ेगा। फिर तुझे एक ऑफ़र, मैं 2-3 ऑफरें दे देता हूँ अभी से, एक ऑफ़र मैं तुम्हें ये देता हूँ, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तुझे मैं नागपुर भेजता हूँ, इंडिया में नागपुर इलाका है वहाँ पे मैं तुझे एक जगह भेजता हूँ, वहाँ पे जा तुझे कैश मिल जाएगी, कैश ले और इधर आ जा। डरता है तू वहाँ पे जाने से, डरता है तू दुबई आ जा, मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ, मैं अपनी ज़ुबान का बड़ा पक्का हूँ, ये सबको पता चल चुका है, मैं तुम्हें अपनी ज़ुबान देता हूँ, तू दुबई आ, किसी से उधारे ले ले, मैं वीडियो पे बोल देता हूँ, कोई भी बंदा है इसको उधारे पैसे दे दे, मैं उसको डबल दूंगा रिटर्न आप लोगों को, तू उधारे पैसे लेके आ जा, तुझे मैं सबसे पहले उसी टाइम लाइव आके लोगों को दिखाऊंगा कि ले ले पकड़ पैसे, जो तेरा मेरा हिसाब है वो क्लियर, उसके बाद तेरा मेरा हिसाब होगा अपना इन चीज़ों का। अब तू देख रहा होगा कि इसके हाथ में जो अंगूठियाँ हैं ये कौन सी अंगूठियाँ हैं, गौर से देख ये अंगूठियों को बहुत अच्छे से देख, ये इस एक एक गूठी का जो रेट है ना तुझे नहीं पता ये कितना है, लेकिन तुझे बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन अंगूठियों से मैंने तेरे फेस का ट्रीटमेंट करना है, तेरे फेस को ओके करना है, अच्छा करना है, तुझे फेस को अपने जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाना है तूने, तो इसकी पूरी बनावट मैं खुद करूँगा। ये एक गूठी ये वाली देख, ये वाली गूठी, ये वाली जो गूंठी है ना ये तकरीबन 1.5 लाख की ये वाली है। मेरी मेमोरी भी शायद मेमोरी का मसला आ रहा है, ये वाली गूंठी 1.5 लाख की और ये वाली गूंठी 1,80,000 रुपये की है। इतनी महंगी महंगी गूंठियाँ मैं तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे तो बड़े नसीब हैं। और वीडियो भी बंद करता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, इसलिए मैं अपने मोबाइल को देख रहा था और वीडियो को बंद करता हूँ। बहुत सारा वीडियो शो शेयर कीजिएगा उस तक, ये सारे चैलेंज और मैसेज भेज दीजिएगा, पैसे चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दे, खुले पैसे दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई भी इसको उधार पैसे दे दे, मैं इसको आगे अगेन डबल पैसे इसको रिटर्न दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों की वजह से कि ये आ जाए। अगर ये सब नहीं कर सकता चुपचाप इज़्ज़त से अपनी तू वो सॉरी कर ले, तेरी कुछ इज़्ज़त रह जाए, मैं तेरे लिए बोलूँगा, मैं लोगों से बोलूँगा कि इसको माफ़ कर दो, तुझे बरल तेरे अपने भी माफ़ नहीं करेंगे, तेरी जो औकात है वो बहुत बुरी हो चुकी है, तो कोशिश कर माफ़ी मांग ले, तेरा मेरा सब कुछ ख़त्म, मैं सबसे बोलूँगा कि इसको माफ़ कर दो। बाकी जो बोलते हैं कि इंडिया का नाम ऐसे होगा, इंडिया का नाम कभी भी इंडिया का बदनाम नहीं होगा, मेरे जैसे लोग हैं जो मतलब सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो औकात थी वो मैंने सबको दिखा दी, कितने दिनों से ये टाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसकी शक्ल से देख लो और इसका लास्ट वीडियो देखें कि ये कितना पतला सा और कितना छोटा सा है, कि इसको मैं एक मैसेज ये भी दे दूँ, अगर तू दुबई गलती से आ गया तो अपने साथ तू कम से कम अपने साथ के अगर ले गया तो 3 से 4 ले गया ना, क्योंकि तू एक मेरे किसी काम का नहीं है, तेरे से 3-4 हो गए तो मुझे या मार खाने में मज़ा आएगा या मारने में मज़ा आएगा, इसलिए 3-4 पक्के ले गया। अभी के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह कल बुर्ज खलीफा में जाऊँगा तो आप लोगों को वहाँ से भी दिखा दूँगा बुर्ज खलीफा का। इसका टाइम है इसको 5 दिन कल से दे देता हूँ, अगेन 5 दिन तेरे पास हैं, कभी भी आ जा, जब भी वीज़ा लगा के आ जा, पैसे मुझे बता दे मैं तुझे दे दूँगा, पैसे लेने जाना है तो नागपुर चला जा। चलता हूँ मैं अभी, सब भाइयों को सब बहनों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रहता उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डस्टबिन फिर देख लो अच्छे से, ये डस्टबिन है, कहता तो अंदर भी दिखा देता हूँ, ये भी देख ले सिगरेट है इसके अंदर, और ये अगेन इसका नाम देख ले अच्छे से देख ले, और ढक्कन डस्टबिन आज से इसका नाम है ढक्कन, डस्टबिन बोल दो, ढक्कन कूड़े वाला बोल दो, ढक्कन कचरे वाला बोल दो, कुछ भी बोल दो सब चलेगा, क्योंकि इसकी यही औकात है और इसकी इतनी ही औकात रहनी है, और ये वही जगह है जहाँ पे मैंने पहले दिन वीडियो बनाया था।
वीडियो बंद करता हूँ। बहुत सारा मिस किया मैंने भी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लिए, तो जिसकी वजह से इंशाल्लाह मैं जो जो मेरी सपोर्ट पे वीडियो बना रहे हैं तो उन सब से मैं इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, कोई एक सीख पाएंगे। अभी मेरे नाम मेरे जहन से निकल गया, फिर और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं इंडिया से जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाए, उनसे मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह कल ब्रेक के बाद। बाय बाय।